सनी देओल मर चुके हैं या जिंदा हैं? अजय सिंह देओल को क्या हुआ? सनी देओल एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, निर्माता, राजनीतिज्ञ और गुरदासपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पंजाब भारत के लिए वर्तमान संसद सदस्य हैं। बॉलीवुड में उन्होंने घायल, जीत, दामिनी, घटक, बॉर्डर और गदर, एक प्रेम कथा सहित कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय के साथ एक उग्र एक्शन हीरो की छवि अर्जित की है। देओल ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्म पुरस्कार जीते। देओल ने पहली बार अमृता सिंह के साथ बेताब 1983 में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें उस समय के शीर्ष सितारों में से एक माना जाता था। 1990 के दशक में राजकुमार संतोषी की घायल में अपने भाई की हत्या के आरोप में एक शौकिया मुक्केबाज के चित्रण के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा और प्रशंसा मिली। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विशेष जूरी पुरस्कार विशेष उल्लेख जीता। फिल्म द लाइटनिंग 1993 में वकील के उनके चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा 2001, जिसमें देओल एक ट्रक ड्राइवर की भूमिका निभाते हैं जिसे एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है, अपनी रिलीज के समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी, जिसने इसके लिए अभिनेता का नामांकन अर्जित किया। फिल्मफेयर बेस्ट प्राइस। सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को भारत के पंजाब के सहनेवाल गांव में बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका एक छोटा भाई बॉबी देओल और 2 बहनें विजयता और अजीता हैं, जो कैलिफोर्निया में बस गए हैं। उनकी सौतेली माँ हेमा मालिनी है, जिनसे उनकी 2 सौतेली बहनें हैं, अभिनेत्री ईशा देओल और अहाना देओल। उनके चचेरे भाई अभय देओल भी एक अभिनेता है। सनी देओल की शादी पूजा देओल उर्फ लिंडा देओल से हुई है और इस जोड़े के 2 बेटे हैं, करण और राजवीर। करण यमला पगला दीवाना 2 के सहायक निर्देशक थे और उन्होंने फिल्म में दिलजीत दोसांझ के गाने गाए थे। 24 करण देओल ने हिंदी फीचर फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में शुरुआत की। उन्होंने 1 दिसंबर 2020 को मनाली में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। सनी अभी भी जीवित है और परिवार और दोस्त के साथ खुश है।